प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं आपकी मैथ की टीचर मिस मुस्कान आपके साथ हूँ। बच्चों, मैंने आप लोगों का होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने कंप्लीट किया? जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है वो गुड स्टूडेंट्स हैं, और जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है बच्चों, वो गुड स्टूडेंट, उन्हें गुड स्टूडेंट बनना है ना, तो वह क्या करेंगे? अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और जो मैं उन्हें याद करने के लिए देती हूँ उसे याद करेंगे। बच्चों, आप लोग निकालें अपनी मैथ की बुक। सब बच्चों के पास अपनी मैथ की बुक मौजूद है? जिनके पास अपनी मैथ की बुक्स नहीं हो, जल्दी से जाएं और बैग से लेकर आएं। बच्चों, आप निकालें यूनिट नंबर 4 एंड पेज नंबर 56। सब बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन की, पेज नंबर 56। असेसमेंट, राइट द मिसिंग नंबर्स। पहले हम यहाँ पर मिसिंग नंबर्स लिखेंगे जो यहाँ से मिस है। ड्रॉ डॉट्स टू मैच ईच नंबर, और उतने ही डॉट्स डालेंगे जितने नंबर हमने यहाँ लिखे होंगे, उतने ही उसके हिसाब से डॉट्स डालेंगे। अब इस पिक्चर में देखें क्या है यहाँ पर, ज़ीरो। बच्चों, आप लोग अपने कलर बॉक्स से ब्लू कलर निकालें। यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ पर क्या डॉट्स डालेंगे हम? नो, ज़ीरो का मतलब होता है नथिंग, मतलब यहाँ पर हम डॉट्स नहीं डालेंगे। अब यहाँ क्या है, वन, वन है तो यहाँ कितने डॉट हैं? वन। अब पहले यहाँ पर हम मिसिंग नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद उतने ही डॉट्स डालेंगे। यहाँ ज़ीरो, वन, वन के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर मिस है? टू। बच्चों, डॉट्स हम कलर से डालेंगे और नंबर्स पेंसिल से लिखेंगे। टू पेंसिल से लिखें, एंड टू के बाद थ्री, थ्री के बाद कौन सा नंबर है फिर से? वन टू थ्री एंड फोर। उसके बाद यहाँ पर फाइव है, फाइव के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर मिस है? फाइव, सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, वेरी गुड, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन एंड टेन। दोबारा से काउंटिंग पढ़ें, ज़ीरो, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? ज़ीरो से, ज़ीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये हमने मिसिंग नंबर्स लिखे हैं। अब आप निकालें ब्लू कलर, यहाँ पर कितने नंबर हैं? टू। कितने डॉट्स बनाएंगे हम यहाँ पर? टू डॉट्स, वन टू। थ्री, यहाँ थ्री लिखा हुआ है, कितने डॉट्स डालेंगे हम यहाँ पर? थ्री, वन टू थ्री। अब यहाँ क्या है? फोर, तो यहाँ हम कितने डॉट्स डालेंगे? फोर, वेरी गुड, वन टू थ्री फोर। यहाँ फाइव है, यहाँ कितने डॉट्स चले हुए हैं? वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पर क्या है? सिक्स, यहाँ पर कितने डॉट्स गायब हैं यहाँ से? कौन से नंबर मिस हैं? सेवन, सिक्स डॉट मिस हैं यहाँ से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेवन, यहाँ पर कितने डॉट्स मिस हैं? सेवन डॉट्स, हम यहाँ पर सेवन डॉट्स डालेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स।
सेवन। अब यहाँ कितने डॉट्स ड्रॉ करेंगे? एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब यहाँ पर कितने नंबर मिस हैं? नाइन। यहाँ पर नाइन मिस था, हमने यहाँ नाइन लिखा। अब यहाँ पर कितने डॉट्स मिस हैं? नाइन डॉट्स। नाइन डॉट्स ड्रॉ करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। कितने डॉट्स ड्रॉ किया हमने यहाँ पर? नाइन। अब हम करेंगे पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 में राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच सेट इन द बॉक्स, देन टेक राइट द सेट विच हैज़ मोर। उस सेट पे टिक करना है जो ज़्यादा है। अब इस बॉक्स में देखें, यह पूरा एक बॉक्स है। इस तरफ कितने एप्पल्स हैं? वन टू थ्री, थ्री एप्पल्स हैं। और इस तरफ कितने बॉल्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बॉल्स हैं। और किस पे टिक करना है हमें? मोर पे, जो ज़्यादा है। यहाँ थ्री है और यहाँ फाइव है, तो ज़्यादा किस बॉक्स में है? फाइव में। इस पे टिक करें। यहाँ कितनी आइसक्रीम्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव। यहाँ फाइव आइसक्रीम्स हैं। और यहाँ कितनी कैंडीज हैं? वन टू थ्री फोर, फोर कैंडीज हैं। किस पे टिक करेंगे? मोर पे, जो ज़्यादा हैं। आइसक्रीम्स कितने हैं? फाइव और कैंडीज फोर। ज़्यादा कौन सा है? फाइव। इस पे टिक करें। नाउ टिक राइट द सेट विच हैज़ लेस। अब उस सेट पे टिक करना है जो कम है। वन टू थ्री, थ्री स्पैरोस हैं यहाँ पर। और यहाँ कितने कैरोट्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन। किस पे टिक करना है? जिसमें कम है, लेस है, थ्री। अब यहाँ पर वन, और इस पिक्चर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स। टिक किस पे करना है बच्चों? लेस पे, कम पे। कम कहाँ है? यहाँ वन है और यहाँ सिक्स है। इस पे टिक करें। बच्चों ये था हमारा बुक वर्क। अब हम करेंगे कॉपी वर्क। सब बच्चे अपनी मैथ की कॉपी निकालें। यहाँ पहला लाइन ड्रॉ करेंगे, आज की डेट मेंशन करें, क्लास वर्क। क्लास वर्क क्या है आज हमारा? सेंटेंसेस। बच्चों पहले आप अपनी वीडियो पॉज करें और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस उतारे हुए हैं वैसे ही आप अपनी कॉपी में उतारें। तो बच्चों आप लोगों ने सेंटेंसेस उतार लिए। अब देखें पहला सेंटेंस, वन इज लेस देन टू। वन जो है वो छोटा है टू से। सब मेरे साथ पढ़ें, वन इज लेस देन टू। दूसरा सेंटेंस देखें, थ्री इज ग्रेटर देन वन। थ्री क्या है? ग्रेटर देन है वन से, थ्री बड़ा है वन से। फाइव इज इक्वल टू फाइव। फाइव क्या है? फाइव के इक्वल है, दोनों बराबर हैं। नाइन, नाइन इज ग्रेटर देन एट। नाइन क्या है? एट से बड़ा है, ग्रेटर देन है। फोर, फोर इज लेस देन थ्री। फाइव आएगा यहाँ पर, फोर इज लेस देन फाइव। फोर जो है वो छोटा है फाइव से, फोर इज लेस देन फाइव।
तो बच्चों ये था हमारा क्लास वर्क, इसे आप घर से 5 टाइम रिवाइज करेंगे। अब हम करेंगे होमवर्क। बच्चों आप लोग रेडी हैं होमवर्क के लिए? होमवर्क के लिए आपने जहाँ क्लास वर्क किया उसके नेक्स्ट पेज पे आप पहले लाइन ड्रॉ करें, आज की डेट मेंशन करेंगे, होमवर्क HW, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। बच्चों आज हमने क्लास वर्क में सेंटेंसेस किए थे, यहाँ हमने वर्ड काउंटिंग में लिखा था, अब यहाँ पर डिजिट्स में है। पहला है 8, यहाँ कौन सा नंबर आएगा 9, 10, उसके बाद यहाँ पर 11। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 इज लेस देन 9, 9 इज लेस देन 10 और 10 इज लेस देन 11। 8 जो है वो 9 से छोटा है, 9 जो है वो 10 से छोटा है और 10 जो है वो 11 से। अब अगर इसे हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो क्या है, 11 इज़ ग्रेटर देन 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 9 एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 8। 8 और 10 के बीच क्या है 9 एंड 9 और 11 के बिटवीन 10। अब 2 है 5, 5 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर मिस, 6, 6 के बाद 7 एंड 8। इस तरफ से पढ़ेंगे, 5 इज लेस देन 6, 6 इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन 8। अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, 8 जो है वो 7 से बड़ा है, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, 7 क्या है 6 से बड़ा एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5 और 5 क्या है छोटा है 6 से, 6 क्या है बड़ा है 5 से। सवाल नंबर 3 देखें, 1 के बाद कौन सा नंबर में से, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब इस तरफ से पढ़ेंगे तो लेस देन, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4। इस तरफ से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 जो है वो बड़ा है 3 से, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 जो है वो बड़ा है 2 से, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 के बाद कौन सा नंबर मिस है, 5, 5 के बाद 6 और यहाँ 7, अब 8, 4 और यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या होगा, लेस देन और इधर से ग्रेटर देन, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6 एंड 6 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 8। अब इस तरफ से पढ़ेंगे ग्रेटर देन, 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 जो है वो 7 से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 जो है वो 6 से बड़ा है एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 के बाद यहाँ कौन सा नंबर मिस है, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 एंड 9। इधर से पढ़ेंगे लेस देन, 5 इज लेस देन 6, 6 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 9। और यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन, 9 इज ग्रेटर देन 8, 8 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 क्या है वो 6 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 क्या है वो बड़ा है 5 से। तो बच्चों आपने घर से क्लास वर्क और होमवर्क 5 टाइम रिवाइज करना है, इसे अच्छे तरीके से याद करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।